सूरत के शहरी इलाकों से तो पानी उतर गया है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी पानी भरा हुआ है। आज सातवां दिन है खाड़ी के पानी का, और हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये आप देख सकते हैं कि सूरत शहर से दूर ये कुम्भारिया गांव है, और ये कुम्भारिया गांव की तस्वीरें हैं। आज सातवें दिन भी अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो जो हड़पतिवास है वहाँ पर जो घर है यहाँ के वो पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ पर छाती तक पानी है, और ये पिछले सात दिनों से ये परिस्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये इधर भी आप देखेंगे तो यहाँ भी देखिए घर किस तरह से पानी में डूबे हुए हैं। यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनसे हम समझ लेते हैं और जान लेते हैं वह किस तरह से तकलीफ है। और तुम्हारा नाम बताओ। हरीश भाई कितनी तकलीफ से, कितना दिवस से यहाँ? सात दिन से बहुत तकलीफ पड़े थे हमारे यहाँ। पानी बहुत, पानी आए तो जमवानू भी नहीं मिलू, नहीं तो कहीं सोवानो भी ठिकाना नहीं, कहीं ठिकाना छे नहीं है। बहुत तकलीफ पड़े हमने अत्यारे। अने कोई प्रशासन तरफ थी कोई लोग अहीं જોવા આવ્યા છે અત્યાર સુધી? અત્યાર સુધી કોઈ આવ્યા નથી અહીંયા। અચ્છા, કોઈ એને તમારે ખાવા પીવાની કોઈ મદદ કરવા માટે કોઈ નહીં આવ્યા? કોઈ નહીં આવ્યા, કોઈ નથી આવ્યા। ये छः सात दिनों से यही हालत है इस गांव की, और ये कुम्भारिया गांव है जहां का हड़पति वास है। यहां पर दर्जनों घर इसी तरह से पानी में डूबे हुए हैं। हम आपको बता दें कि हाल ही में एक नए सीमांकन के तहत महानगर पालिका के तहत ये गांव महानगर पालिका के सीमांकन में आया हुआ था, लेकिन अभी जो है महानगर पालिका ने इसको अपने हस्तक नहीं लिया है, और ये तमाम तरह की परिस्थितियां इस गांव में फिलहाल बनी हुई हैं। ना ही जिला पंचायत के लोग यहां आए हैं, ना जिला प्रशासन का कोई व्यक्ति आया है, और ना ही महानगर पालिका का कोई अधिकारी यहां पर लोगों की सुध लेने के लिए आया हुआ है। पिछले सात दिनों से लगातार इस कुम्भारिया गाँव का जो हड़पतिवास है वहाँ के लोग दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। कैमरामैन साई जगताप के साथ संजय सिंह राठौर, गुजरात तक।